रेस्टोरेंट स्टाइल बेसिल मैरिनेटेड तंदूरी झींगा आप लोग किस तरीका से बनाएंगे वो मैं दिखाऊंगा आपको आज इस वीडियो में। तो चलो वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका गोपाल, हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बेसिल मैरिनेटेड तंदूरी प्रॉन्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, लेना है मीडियम साइज का प्रॉन्स और इस प्रॉन्स को अच्छा से क्लीन करके वॉश करके वाटर रिमूव करके आपको एक ट्रे में सेट कर लेना है। हम इस प्रॉन्स को अच्छा से फास्ट मैरिनेशन कर लेते हैं। दोस्तों फास्ट मैरिनेशन के लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, तो दोस्तों फास्ट मैरिनेशन के लिए सबसे पहले ऐड कर लेंगे लेमन जूस। आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है 3 या 4 लेमन का लेमन जूस। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक और नेक्स्ट ऐड करेंगे कैरम सीड। आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है अजवाइन सीड और इसे अच्छा से घिस घिस के प्रॉन्स पे ऐड कर लेना है और साथ में ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐड करना है ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली पेस्ट। देख रहे, मैंने फास्ट मैरिनेशन के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे धीरे धीरे अच्छा से मिक्स। तो दोस्तों देख रहे, झींगा फास्ट मैरिनेशन कंप्लीट। अब हम इसे साइड कर लेते हैं और इसका बीच में बनाएंगे सेकेंड मैरिनेशन का मसाला। तो दोस्तों सेकेंड मैरिनेशन का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिल लीव्स को अच्छा से पेस्ट कर लेना है। तो पेस्ट करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देख रहे, यहाँ पर मैंने बेसिल को अच्छा से वॉश करके रखा है। आपको क्या करना है, थोड़ा हरा कलर का बेसिल का लीव्स लेना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बेसिल को अच्छा से मिक्सी में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों देख रहे, मैंने बेसिल लीव्स ऐड कर लिया है। अब इसका कलर हरा का हरा रखने के लिए आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा ज्यादा नहीं। आपको ओनली कलर थोड़ा अच्छा सा हरा का हरा रखने के लिए ऐड कर लेना है थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स। नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा पील्ड गार्लिक और साथ में ऐड कर लेंगे पील्ड पिस्ता और आलमंड। आपको ये दोनों नट्स को अच्छा से बॉईल करके पील कर लेना है। तो धीरे धीरे ये दोनों नट्स को आपको इसमें ऐड कर लेना है। साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा परमेसन चीज। ऐड कर लेंगे 2-3 लेमन वेजेस का लेमन जूस। और नेक्स्ट ऐड कर लेंगे 2-4 आइस क्यूब। आपको क्या करना है, 2-4 आइस क्यूब ऐड करके इसे अच्छा से फाइनली पेस्ट करना है। तो दोस्तों हमारा ये बेसिल पेस्ट तैयार है। चलो अब हम लगाते हैं इसको मसाला। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे एक बर्तन में ऐड करना है और मसाला का हिसाब से स्पाइसी के लिए आपको ऐड करना है थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली पेस्ट। नेक्स्ट ऐड करेंगे हैंग काट। ध्यान रहे ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि मसाला फीका हो जाएगा और कलर नहीं रहेगा। आपको दही देख के ऐड करना है। तो ऐड कर लेंगे 2 चम्मच हैंग काट। नेक्स्ट ऐड करेंगे नमक। आपको मसाला का स्वादिष्ट अनुसार ऐड करना है नमक। नेक्स्ट ऐड करेंगे ग्रीन कार्डमम पाउडर। फ्लेवर के लिए आपको ऐड करना है ग्रीन कार्डमम पाउडर। नेक्स्ट ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का क्वांटिटी ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो मसाला फट जाएगा तो आपका झींगा में मसाला नहीं रुकेगा। और अब हम इसे धीरे धीरे अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने का टाइम पे टेस्ट बराबर है कि ना, नमक और स्पाइसी अच्छा से चेक कर लेना है। तो चलो अब हमारा ये मसाला तैयार है। अब हम धीरे धीरे इसको झींगा में ट्रांसफर करके झींगा का साथ अच्छा से मिला लेंगे। तो दोस्तों देख रहे, मैंने कैसा झींगा में मसाला लगा लिया है। चलो अब हम इसे 1 घंटे के लिए चिल्लर में रख लेते हैं और बाद में इसे लगा के प्रेजेंटेशन का साथ मैंने आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देख रहे, 2 घंटा बीत चुका है।
चलो अब हम लगाते हैं झींगा। आपको क्या करना है, धीरे धीरे एक सीख में अच्छा से झींगा पोर्शन हिसाब से लगा लेना है। झींगा सीख में लग के तैयार है। चलो अब हम इसे तंदूर में ग्रिल करते हैं। और अब हम इस सारिया को तंदूर में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, झींगा कुक करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, फिर भी आप लोग लीड डाल के झींगा को अच्छा से ऑयल डन ग्रिल कर लीजिए। अब हमारा झींगा ऑयल डन ग्रिल हो चुका है। चलो अब हम धीरे धीरे इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और प्लेट में निकालने के बाद इसे एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने प्लेट को प्रेजेंटेशन कर लिया है। आपको आपका मनपसंद कोई भी प्लेट ही कर लीजिए। चलो अब हम धीरे धीरे ऐड करते हैं इसमें झींगा। आपको क्या करना है, धीरे धीरे झींगा को ऐड कर लेना है। यहाँ पर देख रहे मैंने लिया है, यह है मैंगो सॉस और यह टोमेटो चिल्ली चटनी, दोनों सॉस मैंने रखा है दोनों साइड पे। आप लोग चाहे तो मीन चटनी भी ऐड कर सकते हैं। और ये देख रहे मैंने बेसिल लीव्स को अच्छा से फ्राई करके रखा है। आपको सेम धीरे धीरे आपका मनपसंद झींगा को अरेंज कर लेना। और दोस्तों रेसिपी पसंद आया तो हो जाए कमेंट, शेयर और लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू।